आप लोग कैसे हैं हमें ज़रूर बताइएगा। मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। तो अभी सुबह का टाइम है और मुझे करना है झाड़ू पोछा, सबसे पहले करूँगी, उसके बाद चाय बनाऊँगी। यहाँ पे मैंने बेडशीट बिछा दी है और इधर उधर कुछ सामान भी पड़े हैं, पहले उसको भी रख दूँगी। कुछ बांधने वाले तोड़े जो होते हैं रस्सी, वो भी इधर उधर पड़े हैं, और सिलेंडर भी है, उसको भी मैं रख दूँगी बालकनी में। तो सामान इधर उधर जब पड़े रहते हैं झाड़ू लगाइए ना तो बिल्कुल मज़ा नहीं आता। सबसे पहले तो हम बिस्तर बनाते हैं, बेड को ठीक करते हैं, और फिर जो सामान इधर उधर पड़ा रहता है, बुक कॉपी भी बच्चे फैलाए रहते हैं, मेरे हस्बैंड खुद ही अपनी बुकें फैलाए रहते हैं, तो उन सबको मैं सेट करती हूँ और उसके बाद झाड़ू लगाती हूँ। अगर झाड़ू पोछा हो जाए और नहा लीजिए तो समझिए कि दिन भर का आधा काम हो जाता है, और देखने में भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। झाड़ू पोछा कर लीजिए, नहा लीजिए तो बहुत ज़्यादा रिलैक्स मिलता है। तो यहाँ पे मैं झाड़ू लगा लूँगी और इधर उधर जो जाले लगे हैं थोड़ा बहुत झाड़ू से जाले भी निकाल लूँगी। झाड़ू मेरी छोटी हो गई है और जब ये बाज़ार जाते हैं ना तो बोलती हूँ कि झाड़ू ले आना, तो उस दिन उस दुकान तक पहुंचते ही नहीं है, और जब पहुंचते हैं तो उस दिन मैं बोले ही नहीं रहती हूँ, भूल जाती हूँ। जैसे बाज़ार जा रहे हैं तो पूछते हैं क्या ले आना है, तो उस दिन मैं भूल जाऊँगी कि हाँ झाड़ू भी ले आना है, और जिस दिन बता दूँगी कि झाड़ू ले आना है तो उस दिन वहाँ दुकान तक पहुँचेंगे ही नहीं, बोलेंगे कि अब तो मैं दुकान तक गया ही नहीं। तो झाड़ू लगा लूँगी और दोनों रूम में झाड़ू लग गए हैं, बस ये आगे वाला रूम में झाड़ू लगाना है और हॉल में लगाना है, किचन में भी मैं पहले लगा ली थी। तो झाड़ू लगाने के बाद मैं लगा लूँगी पोछा, पोछा मोप से लगाऊँगी। मोप से थोड़ा जल्दी हो जाता है पोछा लगाने में, थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाता है। Thank you.
मेरा झाड़ू पोछा हो गया है और अब हम चलते हैं चाय बना लेते हैं, क्योंकि आज मेरे सर आने वाले हैं तो खाना भी मुझे जल्दी बनाना पड़ेगा। सुबह मैंने फोन नहीं किया है और फोन करने पे लगता भी नहीं है, वो अपने से करेंगे। सफर में जहाँ नेटवर्क की प्रॉब्लम है तो नहीं पकड़ता है तो फोन नहीं लग पाता है, लेकिन आज दोपहर तक आ जाएंगे। तो अभी 9:30 बज रहे हैं तो खाना भी थोड़ा जल्दी बना लेंगे और कल ही चले थे, तो चलिए फिर चाय पीते हैं, फिर आप लोग से मिलते हैं। मैं इसी कलछुल से छान लूंगी, मुझे जलने का बहुत ज्यादा डर लगता है और फिर ज़्यादा रहता भी है, तो इसलिए मैं कलछुल यूज़ करती हूँ चाय छानने के लिए। जब थोड़ा सा रह जाता है तब मैं वैसे ही छान लेती हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा। मिलेंगे हम एक अच्छे से वीडियो के साथ। बाय बाय।